हाँ जी, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी जो आपके इवेंट है, कोई भी जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके सक्सेस होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस है, उसी को बोलते हैं हम क्या, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब हमने क्या लिखा कि चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट, जो इवेंट आप चाहते हो वो, और सक्सेस ऑफ एनी, ये इवेंट लिखिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो आप एक क्या, एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप यहाँ पर कर रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट, जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट का काम करेगा। ठीक है, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि चांसेस ऑफ सक्सेस, मतलब कितने सक्सेस के चांसेस है वो आपके होंगे, आपके क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट है उसको आपने समझना है। फर्स्ट वन इज द एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट का मतलब होते हैं जो आप क्या बोलते हैं, जो भी आप मतलब ट्रायल्स करते हो कुछ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स निकालने के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप जो ट्रायल्स कर रहे हो किस रिजल्ट्स के आउटकम्स के लिए, उसको आपके क्या बोलोगे आप, एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ ये देखने के लिए कि हेड ज़्यादा आते हैं या फिर ये कि कॉइन आपका अनबायस्ड है या बायस्ड है, तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। कॉइन का टॉस करना आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट से क्या आते हैं, इवेंट्स बनते हैं। इवेंट्स जैसे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक्सपेरिमेंट का इवेंट्स क्या हुए, पॉसिबल आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैंने कहा कि कॉइन को टॉस करना, तो ये तो क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका हेड आना और टेल आना, ये क्या हो गए, इसके इवेंट हो गए। ठीक है, जो भी इससे पॉसिबल इवेंट होते हैं हमने सारे लिख दिए। ठीक है, जैसे आप नेट का एग्जाम दोगे तो ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट हो गया। नेट के एग्जाम के रिजल्ट क्या आ सकते हैं, या तो आप क्वालिफाई करेंगे, तीन हो सकते हैं ना, तो तीन इवेंट हो गए, या तो आप नॉट क्वालिफाइड की कैटेगरी में आएंगे, या आपका नेट क्वालिफाइड आएगा, या आपका जेआरएफ यानी बोथ आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तीसरा आपके पास है एक्सहॉस्टिव इवेंट। एक्सहॉस्टिव इवेंट का मतलब होता है जैसे आपने एक कॉइन को टॉस किया तो आपका हेड आ गया, टेल आ गया। ठीक है, ये कंप्लीट इवेंट हो गए ना इसके, इसको बोलते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट। अब देखिए, दूसरा मैंने किया, एक बार और कॉइन को टॉस किया, अब आ सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, हेड हेड दोनों कॉइन हेड हेड आ सकते हैं, टेल हेड आ सकते हैं। ठीक है, टेल टेल आ सकते हैं, और आपका टेल हेड और टेल आ सकते हैं। तो ये अगर आप सभी इवेंट्स को एक साथ लिख दे तो उसको बोलते हैं एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। जितने भी आपने ट्रायल्स किए उसके सभी इवेंट्स को, दो बार कॉइन को टॉस किया तो ये पॉसिबल है, तीन बार करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, चार बार करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगर सभी को इकट्ठा लिख देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, आपके एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि सभी इवेंट्स के आपके चांसेस आपके सेम होते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है सक्सेस की। फॉर एग्जाम्पल, क्वाइन को टॉस किया 1/2, किसी डाई को टॉस कर रहे हो तो सभी की चांसेस क्या, 1/6। बात समझ में आई आपको? कार्ड में से कोई वो निकाला तो मान लो अगर ग्रीन आने उसकी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या, ब्लैक कितने होते हैं, 26। ठीक है, किंग आने की प्रोबेबिलिटी जी, इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या हुआ कि सभी के चांसेस आपके इक्वल हो, अनबायस चीजें हो, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लो इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में आप जैसे जनरल पब्लिक है, कोई भी फॉर्म फिल कर सकती है, तो है ना चांसेस, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑक्शन लगी, अभी मैंने बताया था 5G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन लगी, तो उसमें क्या हुआ कि ये था कि ओपन बिड है, वो ओपन बिड रखी 5,00,000 करोड़ रुपए की, तो आपके पास तो है नहीं 5,00,000 करोड़ रुपए, तो कौन जाएगा, अदानी ग्रुप और आपका रिलायंस ग्रुप, आपको अच्छे से याद हो गए होंगे नाम तो, है ना। तो अब उस ओपन बिड था वो, लेकिन हर किसी के लिए वो था ओपन, मतलब कोई भी आप बोली लगा सकते हो, बिड दे सकते हो, लेकिन ऐसे एक्चुअलिटी में नहीं हुआ क्योंकि आपकी उसकी कैपेसिटी नहीं है। पर यहाँ पर आपका मतलब क्या है कि सभी की इक्वल चांसेस, वो आपका हो गया इक्वली लाइकली इवेंट्स। और एक हुआ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब देखते जाना, कन्फ्यूजन थोड़ा सा आप में क्या आती है मैं बताऊँगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होती है, अगर आपका हेड आया तो क्या नहीं आया, एक की एक्सेप्टेंस यानी एक इवेंट की सक्सेस दूसरे को रिजेक्ट कर देगी। यानी अगर हेड आया, ये एक इवेंट है, ये इवेंट अगर आपका हैपन हो रहा है तो टेल नहीं हुआ, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, तो ये क्या हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सक्लूड कर देगा एक दूसरे को, या तो हेड टेल को कर देगा, टेल आपके
हेड को कर देगा। तो ये वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास आया कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो आपने अभी ऊपर पढ़ा है एक्सोस्टिव इवेंट्स। एक्सोस्टिव इवेंट में पढ़ा कि एक जो ट्रायल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके जो टोटल इवेंट्स होते हैं उसको एक्सोस्टिव बोलते हैं। अब मैंने लिखा कि एक क्वाइन को टॉस किया आपने, क्वाइन है उसको क्या किया, टॉस। अब इसका ना आया टेल, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये एक आपका इवेंट हो गया, और इसका मतलब दूसरा क्या नहीं आया है, हेड। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मतलब पूरे एक्सोस्टिव को बनाने के लिए हेड का टेल हो गया, टेल का आपका हेड हो गया। पॉइंट समझ में आई आपको बात। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एक अगर आ रहा है, जैसे मैंने आप लिखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे को एक्सक्लूड करके चलते हैं। अब यहाँ पर क्या था कि क्वाइन जो था ना, क्वाइन को आपने टॉस किया तो हेड आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर इसको पूरे एक्सहोस्टिव इवेंट लिखेंगे ना तो आपका मतलब टेल आएगा, मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इसी तरीके से मान लिया मैंने डाई को टॉस किया है और डाई में इस बार आया नंबर वन, एक आ गया, तो इसका मतलब इसके बाकी जो रह गए ना कॉम्प्लीमेंट, मतलब दो से लेकर आपके, तो ये आपके क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट। आगे समझ में आपको, ठीक है। इसमें म्यूचुअली में तो ये हुआ कि अगर ये आया तो ये हट गए, सारे हट गए, एक ये चीज थी। अब जो हटे हैं ना, इसके ये कॉम्प्लीमेंट हो गए, पूरा कर रहा है, मतलब पूरे एक्सोसिव इवेंट को पूरा करने के लिए इसको यूज किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आया आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं। मान लो देखो मैंने क्वाइन को टॉस किया और मैं दोबारा क्वाइन को टॉस कर रहा हूँ, तो जो मैंने पहले टॉस किया उसकी प्रोबेबिलिटी का दूसरे पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, तो ये वो आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी एक इवेंट का, एक ट्रायल का के रिजल्ट का दूसरे पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो हो गया आपके इंडिपेंडेंट। और दूसरा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि एक जो इवेंट है उसके होने से दूसरे पर इफेक्ट पड़ जाए तो आपको होगा डिपेंडेंट। अब जैसे क्या हुआ, मैंने किया, जैसे आपने कार्ड्स का ले लो, आप बॉल्स का ले लो, आप स्टूडेंट्स को ले लो। जैसे मैंने आपका क्या कहा कि कोई क्वेश्चन पूछा तो मैंने कहा कि इसका आंसर बताइए, तो जिसने आंसर बता दिया मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया, मतलब इसका दोबारा नंबर नहीं आएगा। तो मतलब बाकी की क्या प्रॉबर्टी, किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये क्या हुआ आपका डिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ गया आपको डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। उसके बाद एक होता है सिंपल और एक आपका कंपाउंड। सिंपल का मतलब एक बार कॉइन को टॉस किया, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और कंपाउंड का मतलब एक साथ दो कर रहे हो, दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका कंपाउंड। अब अच्छे से अब इसको समझना है कि आपको क्या समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। जो भी आप ट्रायल्स कर रहे हो किसी भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट के लिए, उसके क्या आएंगे, इवेंट्स, ठीक है, इवेंट ए और इवेंट आपका बी, ठीक है। इसको साथ लिख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक्सहोस्टिव इवेंट्स, पढ़ा है ना, सभी को इकट्ठा लिख दिया जाए तो ये आपका जो लिख दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इक्वली के मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है, क्वाइन को टॉस करना, डाई को टॉस करना, आपकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो ये क्या हुआ, इक्वली लाइकली इवेंट। उसके बाद आपने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, एक दूसरे को एक्सक्लूड करके चलेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री ये था कि एक अगर आपकी सक्सेस है, इसकी फेलियर के कौन कौन सी हैं उन सबको इकट्ठा लिख दिया जाए तो आपके क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद आपके पास आया था इंडिपेंडेंट, कि एक इवेंट का बी पर कोई भी फर्क ना पड़े तो इंडिपेंडेंट, और फर्क पड़ जाए तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट इवेंट। सिंपल क्या मतलब, एक आप कर रहे हो ट्रायल, और कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा कर। क्लियर हो गई सारी डेफिनेशन, बहुत बढ़िया। क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन आपकी क्लासिकल और मैथमेटिकल, ये कहती है आपकी, पहली बात तो ये जो आपकी क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये आपकी अप्लाई होती है इक्वली लाइकली इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके फाइनाइट हो, और वो भी आपके उसमें प्रोबेबिलिटी है ना वो भी आपकी इक्वली हो। फॉर एग्जांपल क्वाइन को टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2 है, डाई की आप टॉस कर रहे हो तो उसकी 1/6 है, वहीं पर आपका अप्लाई होगा। ये क्या कहता है, देखिए देखना, आपने कहा ना 1/2 1/3, और ये आपने अपने आप नहीं कहा, ये इस बेस पे कहा है, बेस्ड ऑन दी पास्ट एक्सपीरियंस एंड अजम्पशन। आपने ये अपने एक्सपीरियंस लिया है कि क्वाइन कभी भी आपका खड़ा नहीं रहेगा, या तो वह हेड आएगा
बात समझ में आई है आपको? आपने कह दिया 1/2 होता ही है कि 2 है, ऐसा नहीं है। ये डेफिनेशन आपको कह रही है कि 1/2 इसलिए है क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, और कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन क्या थी, पास्ट एक्सपीरियंस में आपने देख लिया कि कॉइन आपका इस तरीके से रहेगा, है ना, और ये कभी भी आपका अजम्पशन ये थी कि ये बिल्कुल आपका अनबायस्ड है और बिल्कुल स्टैंड अप हो ही नहीं सकता। तो इसका ये क्या आएगा आपका कि भाई आपकी इसकी अजम्पशन सुनना, पहले तो ये वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर आपके इक्वली लाइकली इवेंट्स है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे है और आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ठीक है। पास्ट अजम्पशन मतलब क्या, पास्ट एक्सपीरियंस और अजम्पशन के बेसिस पे, ठीक है, ओके। अब ये देखो क्या लिखा आपने यहाँ पर ना, दो चीज़ें होती है। एम का मतलब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है, ए इवेंट को आप ए चाहते हो आप, ये आने की प्रोबेबिलिटी। एम मतलब सक्सेस, और एम का एन का मतलब होता है फेलियर, और ये भी ठीक है, एम प्लस एन, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और नंबर ऑफ टोटल केसेस। देखो आप ध्यान से सुनना, आपने ना कोई नहीं, आप इसको ऐसे लिख ले तो भी ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हो इसको ऐसे लिख ले, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने ना क्वाइन को टॉस किया, क्वाइन को टॉस किया तो 6 बार तो आपके आ गए हेड, और मतलब टोटली 10 बार आपने क्वाइन को टॉस किया और 6 बार हेड आए, तो आप कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी जो इसकी है वो क्या है, 0.6 प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी 60% चांस है। लेकिन एक यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई ना, मैंने क्या लिखा है, इसको मैं थोड़ी और आगे आपको लिखूंगा, 10 में से 6 बार आपका हेड आया, ठीक है। अभी दूसरे रिलेट करेगा, यहाँ तक आपको क्लियर है डेफिनेशन क्या बताती है, मैथमेटिकली आपने कैलकुलेट करके देखा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देख लीजिए, चलो ये कहाँ पर अप्लाई होगा, ये ठीक है आपके इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे को एक्सक्लूड करके चलेंगे। इसकी लिमिटेशन है कि ये अगर आपके नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है ना तो अप्लाई नहीं होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो अप्लाई नहीं हो सकती है डेफिनेशन। दूसरा आपको फाइनाइट नंबर चाहिएगा, इनफाइनाइट पे आप काम नहीं करोगे, जैसे स्टार्स के केसेस में इनफाइनाइट है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाले कि आपके वाइट एयर्स कितने हैं आपके पास, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट है तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, समझे ना। तो इस तरीके से वहाँ पर लगेगा ही नहीं, और जब आपके पास एन की मतलब एन का मतलब वही इनफाइनाइट, अगर ये आपको पता नहीं है तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी निकालने में फेल हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पे कुछ नहीं काम करेगा ये, समझ में आ गई। मैथमेटिकल और जो आपकी जो क्लासिकल जो डेफिनेशन है किसके बेसिस पे थी, पास्ट एक्सपीरियंस और अजम्पशन के बेसिस। अब ये देखो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो आई आपके पास, या एम्पेरिकल जो आपकी फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो सिंपल सी एक बात कहती है, क्या कहती है, अब आपने ये पीछे वाली डेफिनेशन से क्लियर कर लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब रिलेटिव प्रोबेबिलिटी कि भाई इसके तो 1/2 है, ये अपनी पीछे डेफिनेशन पिछली वाली आपने सीख लिया है, 1/6 ये भी आपने सीख लिया। अब ये कहता है कि देखो अब ये तो है नहीं कि भाई आपने पहली बार कॉइन टॉस किया या तो वो हेड आएगा या वो टेल आएगा, अगर हेड आया तो यहाँ पर ये ऐसे पहुँच जाएगा यहाँ पर, और टेल आया मान लो अगर आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी जीती है 1 पे पहुंच जाएगी और नहीं आती 0 पे आ जाएगी, यही बात है ना। लेकिन जैसे जैसे आपने ट्रायल बढ़ाए वो इस तरीके से चलेगा कि दोबारा हो सकता है फिर हेड आ जाए तो 2 पे चली जाएगी, ऐसे आ जाए इस तरीके से, फिर वो टेल भी आ सकता है 2 बार टेल आ जाए, तो ऐसे ऐसे बार बार ये होता रहेगा, और जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट बढ़ेंगे वो तो लास्ट में क्या आएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा और ये बनेगा आपका, समझ में आया कैसे बन रहा है। ये आपकी 0.5 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2 और आपका 0.5, ये बात है ना। अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट आपका 0.5 पहुंच जाएगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मे बी आपकी 0.52, 0.54, 0.56, बट ये होगा कि ये अपनी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है उसके आसपास पहुंच जाएगी, एग्जैक्ट की गारंटी नहीं है लेकिन ये अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के आसपास पहुंच जाएगी। देखो ऊपर से गैप देखो यहाँ से कितना होना, बिल्कुल 5 पहुंच गई। तो ये कहता है जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी है, जो एम्पेरिकल का मतलब एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स आप देख रहे हो, ये कहता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो अपनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को अप्रोच करेगी। आ गई समझ में, ठीक है।
दो बार थोड़ी किया, मैं तो 10,000 तक इवेंट ले गया दो बार। अगर देखो मान लो पहली बार हेड आया तो प्रोबेबिलिटी होगी 1, दोबारा हेड आया तो होगी 2, 200% भी चलेगी। तीसरी बार भी मान लो हेड आया तो 3 भी चलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या आ रहा है आपका, लेकिन एक अनबायस्ड है तो नीचे भी तो आएगी ना। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाओगे ना तो लास्ट में ऐसा आएगा कि उस अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के पास ही मिलेगी वो, ठीक है। अब करके अब 10 में भी आप करके देखेंगे ना, अगर आप तो देखें ना उसमें भी हो सकता है कि 7-3 आ जाए, कम से कम 2 तो आएंगे 10 में से, या सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन मोस्टली चांसेज है कि आप 10 बार करेंगे तो कम से कम 4 आ जाए। लेकिन यही बात मैं कह रहा हूँ कि 10,000 इवेंट पे कर दे आप, 10,000 ट्रायल करें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब 6,000 या 6,000 के करीब हेड आ गए, 4,000 ही आए, अब और बढ़ा दिए तो आपको लगेगा कि भाई इक्वल से आ गए। वही बात है, हो तो ये भी सकता है कि 10 में से 5 ऐड आ जाए, 5 ट्रेल आ जाए, लेकिन फिर आपकी गड़बड़ हो जाए। लेकिन ये कह रहा नंबर ऑफ ट्रायल बढ़ते चलेंगे तो ये पास पहुंच जाएगी, ठीक हो गई बात, ठीक है। तो एम्पेरिकल क्या कहता है, एम्पेरिकल आपके बेसिस किस पे है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस से उसे बता दिया कि ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसकी, और एक्सपेरिमेंट आपने कर दिया, ठीक है। और प्रेजेंट कंडीशन ये देखो, इनके बेसिस पे पूरा काम करता है। और क्या कहता है, ये कहता है कि आपकी जो सक्सेस है आपकी वो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल पे डिपेंड करती है। क्या कहता है, जैसे जैसे आपने ट्रायल्स को इंक्रीज किया जो प्रोबेबिलिटी है वो अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को अप्रोच करेगी, ठीक है। आपके सामने अभी हमने करके देखा है, ठीक है, टू इक्वली लाइकली इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी है, या नंबर ऑफ ट्रायल्स टेंड्स टू रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब आपको समझ में आया ये क्या होता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डेफिनेशन, क्या कह रही है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आप बढ़ाइए, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को अप्रोच करेगी। तीसरी आगे समझ में, रिलेटिव अब इसकी जो आपने पास से आपने निकाला कि 1/2 है इक्वली लाइकली इवेंट में, 1/6 है वो आपने पढ़ा है, वो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जैसे आपका आपका देखो एक और चीज़ देखिए, 10 बंदे हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा है तो मैंने कहा कि क्वेश्चन पूछा तो 1/10 है, इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपकी, आगे समझ में। उसका कितना पार्ट है, 100 रुपये है, 5 बंदों में बांटना है तो 20 रुपये उसका रिलेटिव हो गया। हाँ भाई बताइए क्या पूछ रहे हो आप। जो आपकी थर्ड जो डेफिनेशन है वो आपके सब्जेक्टिव अप्रोच, एंड व्हाट इज सब्जेक्टिव अप्रोच, बेस्ड ऑन दी योर साइकोलॉजी और आपकी पर्सनल आपकी जो इमोशंस है वो, ठीक है, डिपेंड करता है इमोशंस एंड साइकोलॉजी, मतलब आप क्या कह रहे हो, आपका मन क्या कहता है, आपकी साइकोलॉजी कहती है कि रिजल्ट किस तरीके का होगा, उस पर डिपेंड करता है। पूरी की पूरी ये बायसनेस होगी, ठीक है, मतलब अलग पर्सन अलग आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, एक्स की अलग, वाई की अलग, जेड की अलग। तो ये तीन आपकी डेफिनेशन है। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये आएगा कि क्लासिकल किसके बेसिस पे, तो आप कहेंगे पास्ट एक्सपीरियंस और अजम्पशंस के बेसिस पे, इसको मैथमेटिकल भी बोल दिया आपने। दूसरा आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या आपका एम्पेरिकल, तो उसमें कहेंगे कि आप क्या एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, और आपकी जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, तीसरी सब्जेक्ट की इमोशंस के बेसिस पे, आपके साइकोलॉजी के बेसिस पे, तीन हो गई आपकी डेफिनेशन, तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे आप देखते हैं, थ्योरम्स आ गई है, थ्योरम्स